अच्छी इंग्लिश के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा सेंटेंस बोले और अच्छा सेंटेंस जब हम बोलना चाहते हैं तो वो ज़रूरी है कि हम अपना ग्रामर को अच्छा करें क्योंकि अच्छा सेंटेंस जो है वो ऑब्वियसली ग्रामर से ही आएगा तो हम लोग आज शुरू करते हैं ग्रामर जिसमें हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस हेलो एंड वेलकम टू अनाबिया क्लासेस जहां आज हम आपको सेंटेंसेस पढ़ाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सेंटेंसेस पहला क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेशन पूछे वट इज अटेंस वट इज अन्टेंस अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो अरेंज एज टू मेक याद रखिए सेंटेंस एक ऐसा वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इस तरह से अरेंज किए हुए हैं जिसका कोई मतलब निकले जिसका कोई मतलब निकले जैसे शी इज अ गुड गर्ल देखिए यहां पर चार वर्ड है शी इज अ सॉरी पांच वर्ड है शी इज अ गुड गर्ल तो शी इज अ गुड गर्ल अगर हम इसी वर्ड को इन पांचों वर्ड को अगर हम अलग तरीके से अरेंज करें अ शी इज गुड गर्ल सेम वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं पर क्या ऐसा कोई मतलब निकल रहा नहीं निकल रहा क्लियरली मीन्स कि जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उस वर्ड्स को हम लोग बहुत अच्छे से अरेंज करें ता... जी हाँ तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल्स देखते हैं पहला एग्जाम्पल द स्काई इज ब्लू समझ में आया आपको बिल्कुल इट्स अ सेंटेंस हाउ आर यू क्लोज द डोर एंड हाउ क्लेवर द क्रो इज सो दीज आर द सेंटेंस द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस आइए आगे पढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेंटेंस को पहचानने के लिए तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं तीन इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि एक तो जो हमारे वर्ड है या फिर वर्ड्स है वो अरेंज होना चाहिए ताकि हम उसका मतलब समझ सके दूसरा रूल ये है कि लेटर ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर और तीसरा रूल है कि सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ एदर अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सप्लेमेशन तो ये तीनों रूल आपको याद रखना है ताकि आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सके नंबर वन एक मतलब निकलना चाहिए नंबर टू फुल्स ऑलवेज स्टार्ट कैपिटल लेटर हमेशा उसका जो पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और तीसरा लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा ओके okay. अच्छा अब हम लोग दोबारा से जरा फिर से आते हैं हमारे डेफिनेशन पर अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अब ये अ सेंटेंस इज अ वर्ड का मींस क्या है इसका मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है सिर्फ एक वर्ड का सेंटेंस हो सकता है जैसे रन अगर मैं आपको बोलूंगा रन तो आप भागोगे राइट right. अगर बोलूंगा वेट तो आप इंतजार करोगे स्टॉप रुक जाओगे स्पीक आप बोलने लगोगे तो देखिए मैं आपको सिर्फ एक वर्ड बोल रहा हूं और आप मेरी बात को समझ जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होने चाहिए एक वर्ड का सेंटेंस भी हो सकता है और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वर्ड्स आप देखिए यहां पर रन वेट स्टॉप ये सारे क्या है ये सारे वर्ब है वर्ब तो इसका मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का हार्ट होता है हार्ट ऑफ अ सेंटेंस दूसरा चीज कोई भी सेंटेंस जो है ना बिना वर्ब के नहीं बनता है अगर एक भी वर्ड हुआ तो वर्ड क्या होगा सिर्फ और सिर्फ वर्ब होगा कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है ठीक है तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं नंबर वन असर्टिव जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस नंबर टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर थ्री इम्परेटिव सेंटेंस एंड नंबर फोर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये चार तरह के सेंटेंस है और हम लोग चारों तरह के सेंटेंस वन बाय वन अभी समझेंगे चलिए शुरू करते हैं हम लोग असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए अ सेंटेंस दैट से स्टेट और डिक्लेयर समथिंग मतलब हम कुछ डिक्लेयर कर देंगे लाइक दिस वाटर इज ग्रीन दिस अ वेरी ऑर्डिनरी सेंटेंस दिस वाटर इज ग्रीन हमने डिक्लेयर कर दिया शी इज ब्यूटिफुल ये सुंदर है हमने इसको डिक्लेयर कर दिया नौ ही इज अ बैड गाय ही इज अ बैड बॉय ये लड़का बुरा है राइट right. तो जो भी चीज हम कर देते हैं वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है अच्छा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दो तरह का होता है एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव एंड निगेटिव इन दोनों में फर्क क्या है देखिए लाइक सिंपल एग्जाम्पल एक ले लीजिए ही इज अ गुड बॉय ही इज अ गुड बॉय पॉजिटिव ही इज नॉट अ गुड बॉय बेट वी यूज नॉट नेगेटिव ही इज अ गुड बॉय ही इज नॉट अ गुड बॉय सो दिज आर द अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस इज इज अ पार्ट ऑफ असरटिव सेंटेंस आइए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग असरटिव सेंटेंस का आई गो टू स्कूल एवरी डे मैं रोज स्कूल जाता हूं मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं रोज स्कूल जाता हूं आई गो टू स्कूल एवरी डे दूसरा ही इज वेरी ऑनेस्ट अब मैंने ये डिक्लेयर किया मुझे लगा कि ये बहुत ईमानदार है तो मैंने डिक्लेयर कर दिया ही इज वेरी ऑनेस्ट नंबर थ्री देखिए दे कुडोंट अटेंड द पार्टी दे कुडोंट अटेंड द पार्टी एंड ही इज नॉट लॉयल टू हिज मास्टर नहीं है ईमानदार अपने मास्टर के लिए बट तो जो मेजर पार्ट था वो क्या थायर कि किया और जो चारों सेंटेंस है इसमें वो तीनों रूल फॉलो हो रहा है रूल नंबर वन क्या था हमारा रूल नंबर वन की इस तरह से अरेंज करो कि जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब आपको समझ में आ जाए तो वो हो गया देखिए सारे सेंटेंस जो है जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और जो एंड हो रहा है वो फुल स्टॉप से हो रहा है तो असर्टिव और डिक्लेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि जो भी सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप है वो क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस ठीक है अब आते हैं हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस व इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगे कुछ भी क्वेश्चन पूछ पूछता आपसे सवाल करता है वैसे क्वेश्चन को वैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हमेशा दिखेगा ऑलवेज एंड क्वेश्चन मार्क सेंटेंस जैसा भी रहेगा लास्ट में उससे क्वेश्चन मार्क होगा बाकी ऑब्वियसली सारे रूल्स फॉलो करेगा उससे एग्जाम्पल्स क्या है वट इज योर नेम विथ अ क्वेश्चन मार्क वट इज योर नेम वेर आर यू गोइंग वेर आर यू गोइंग अगेन विथ अ क्वेश्चन मार्क आर यू फीलिंग हंग्री क्वेश्चन मार्क क्या आपको भूख लग रहा है आर यू फीलिंग हंग्री हु इज नॉकिंग एट द डोर ट द डोर अब हु इज नॉकिंग एट द डोर अगेन अ क्वेश्चन मार्क तो जितने भी क्वेश्चन मार्क होंगे हम उसको वही कहेंगे दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस आइए हम लोग अपना तीसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं एंड दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस ना वट इज इंपरेटिव सेंटेंस अन्टेंस विच इज यूज टू कन्वे कमांड ऑर्डर और रिक्वेस्ट मतलब जब हम कुछ कमांड दे रहे भाई प्लीज ये कर दे या ये करके आ ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे हर तरह के सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में ज्यादातर हमारे सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग होता है हमारा सब्जेक्ट ज्यादातर मिसिंग होता है ओके okay? आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्लोज द डोर अब क्लोज द डोर ऑर्डर किया हमने किसको बोला क्लोज द डोर यहां पर सब्जेक्ट देखिए हिडन है कोई तो होगा जिसको मैंने बोला क्लोज द डोर मैंने सिंपल बोला क्लोज द डोर ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर रिक्वेस्ट किया हमने प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर और ऑर्डर किया ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर इंपरेटिव सेंटेंस डोंट एवर टच माई पेंसिल डोंट एवर टच माई पेंसिल अब देखिए डोंट एवर टच माई पेंसिल अगेन ऑर्डर है इंपरेटिव सेंटेंस डोंट स्टे हेयर डोट स्टे हेयर नंबर फाइव फिनिश तो अभी देखिए भी सेंटेंस है उसमें या तो हम ऑर्डर कर रहे हैं या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें भी जो एंड हो रहा है वो एक तरफ फुल स्टॉप से एंड हो रहा है तो अब यहां पर कंफ्यूजन यह आता है कि सर इंपरेटिव और असरटिव दोनों में तो फुल स्टॉप ही है हम पहचाने कैसे कि इम्परेटिव कौन सा है और असर्टिव कौन सा है तो बहुत सिंपल दोस्तों जो हम सिंपल डिक्लेयर कर रहे हैं ये ऐसा है ये ऐसा है ये अच्छा है ये बुरा है वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे हमारा असर्टिव और डिकलेटिव सेंटेंस और जहां हम ऑर्डर कर रहे हैं ये कर दो ये ऐसा कर दो प्लीज़ ये दो यहां जाओ यहां बैठो जहां हम ऑर्डर कर रहे हैं उस सेंटेंस को हम आराम से पहचान लेंगे कि अच्छा ये तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है समझ में आ गया फर्क दोनों में ठीक है चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है सॉरी लास्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस है एंड दैट इज एक्सप्लाटरी सेंटेंस पढ़ते हैं उसको हम ट्री सेंटेंस अब ये सेंटेंस क्या है अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ अट्रॉन्ग फीलिंग हैप्पीनेस सरप्राइज और सौर इज कॉल्ड एक्सप्लमेटरी सेंटेंस अचानक से कुछ फीलिंग अब बहुत खुश हो गए तो अब क्या बोलेंगे वाओ आई गॉट दिस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया कोई किसी का डेथ हो गया सो so सैड अब उदास हो गए तो वो जो फीलिंग होता है जो सौरव होता है या फिर जो सरप्राइज होता है उस तरह के जितने भी सेंटेंस है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे और एक्सप्लामेटरी सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है सेंटेंस के लास्ट में बस क्या होगा मार्क ऑफ एक्सप्लेमेशन मार्क्स ऑफ एक्सप्लेमेशन एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग हाउ ब्यूटिफुल सी हाउ ब्यूटिफुल नाउ विथ एक्सप्लेमेशन मार्क व्हाट अ प्लेस व्हाट अ प्लेस कितना क्या अच्छा जगह है सरप्राइज हो गया वा व्हाट अ प्लेस विथ एक्सप्लेमेशन

और जितने भी मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं इसको आपको रिपीट करना है लिखना है और रिपीट करना है ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेज होंगे जिसको आप सीखते सीखते एक, एक अच्छा इंग्लिश बोलने लगेंगे और याद रखिएगा इंग्लिश बोलना क्या है अगर आपको 2000, 3000 अच्छे सेंटेंसेस बोलने आ गए मतलब आपको इंग्लिश बोलना आ गया तो सेंटेंस पर बहुत फोकस करना है और खासकर ग्रामर पर फोकस करना है क्योंकि ग्रामर हमें बताया कि सेंटेंस कैसे बोलते हैं कहाँ फुल स्टॉप लगाना है कैसे लिखना है कैसे बोलना है तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़िए जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे जैसा कि आपको पता है कि हमारा सारा वीडियोस, पी सब कुछ फ्री है तो आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए और अच्छा इंग्लिश बोलना सीखिए दैट्स ऑल फॉर द डे खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए